के पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, तो 200 रुपए मैंने दिया, बहुत हाथ पोड़ जबड़ा रिक्वेस्ट किया, उसके बाद मेरा गाड़ी छोड़ दिया गया। तो फाइनली भाई लोडिंग करके निकल चुके हैं, अभी दिन का 12 बज रहा है और हम लोग को रात को 1 बजे पहुंचना है किसी भी हालत में, क्योंकि अगर 1 बजे नहीं पहुंचेंगे तो पार्टी का माल जो है वो नहीं बिक पाएगा। देख सकते हैं गाड़ी में चटाई लगना स्टार्ट हो चुका है। हाँ भाई हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इतना मेहनत से देख रहे हो गाड़ी पैकिंग किया जा रहा है। और थोड़ा बस हो गया हो गया। ये जो गाड़ी आया है कागदीप से आया है, ये लोडिंग होके जा रहा है कलकत्ता। तो ये भाई 4 क्विंटल माल लोडिंग हो रहा है गाड़ी में। तो चार वाले भाई मिल गए यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली, दिल्ली। अच्छा अच्छा चलो चलो चलो। ये जो माल है ये डायरेक्ट किसान अपना लेके आए, यहाँ पे पलटी होगा, फिर यहाँ से फिर भर के जाएगा बनारस, आजमगढ़, मऊ। बहुत स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई गड़बेता मंडी है, आज है अपने गाड़ी का लोडिंग। सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, तो अभी पोषण को चाय पीना है, कैमरा पकड़ा है, सुबह से गुस्सा कर रहा है ये भाई, चाय पिलाओ चाय पिलाओ। तो देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे गाड़ियाँ लगा हुआ है, और रात को भी अपने बनारस का कम से कम 6-7 गाड़ी पीछे लगा हुआ है, वो सब भी रात को यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले पोषण को भी चाय पिलाएंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे, टैंकियों की फुल करा के रखेंगे, क्योंकि लोडिंग होने के बाद में हम लोग ये सब काम करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं पहले ही मेरा गाड़ी रोके रहे, बस लोडिंग करने के बाद गाड़ी चलता रहे, रुके। तो एक लाइन से देख सकते हैं कितना सारा गाड़ी लगा हुआ है। तो भाई गाड़ी से उतर के आ चुके हैं, अपना गाड़ी यहाँ काशी एक्सप्रेस लगा है, और ये भी भाई बनारस का ही नंबर है, और इसके पीछे जो देख रहे हैं यार ये 97 कहाँ का नंबर है? तुम्हारा गाँव का भाई। हाँ कागदीप का नंबर है क्या? कागदीप का भाई 97 कागदीप का नंबर है क्या? आप लोग कमेंट करके बताना। तो हम लोग आ चुके चाय की दुकान पे, अभी भाई प्याज पकौड़ी खा रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है। तो चाय भाई पी लिया है, और ये देख सकते हैं सुबह सुबह गड़बेता मंडी में पूरा किसान का भीड़ लग चुका है यहाँ पे, और ये जितना भी देख रहे हैं बोरी में सब माल लेके आए हुए हैं। इसके अंदर है करेला, ये सब देख सकते हैं करेला है, और करेला अपना किसान तोड़ के लेके आ रहे हैं मंडी में बेचने के लिए। पूरा एकदम लाइन लग चुका है भाई, ये देखो। तो यहाँ से फिर व्यापारी खरीदेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको लेके जाएंगे। ये देखो भाई एकदम एक नंबर फ्रेश करेला। ये जो गाड़ी आया है कागदीप से आया है, ये लोडिंग होके जा रहा है कलकत्ता, ये जाएगा सियालदा मंडी। ये सियालदा मंडी का लोडिंग देखे होगे आप लोग, ऐसे ही होता है। तो ये जाएगा वहाँ पे खुल के बिकेगा डायरेक्ट, कोई कैरेट वैरेट कुछ नहीं, डायरेक्ट इसी में। ये देखो लोडिंग करेंगे अभी यहाँ पे। तो ये भाई 4 क्विंटल माल लोडिंग हो रहा है गाड़ी में। तो इसमें जो पूरा भरा हुआ है ना, ये 4 क्विंटल 3.5-4 क्विंटल होगा इसमें, ये देखो। तो भाई गाड़ी को इधर साइड में लगा दिया है, और भाई अपने गाड़ी का भी लोडिंग चालू नहीं हुआ है, लेकिन बनारस का देखो लोडिंग चालू भी हो चुका है। करेला ये देखो भाई, करेला, करेला का लोडिंग चालू है इस पे। और ये है भाई गोदाम पूरा, भाई यहाँ पे बीन्स वगैरह है, देख सकते हैं ये बीन्स, बरबटी है, बटबटी है, बरबटी है, एकदम फ्रेश बटबटी, लाफा, लाफा ही बोलते हैं, तो लाफा भी बोला जाता है। और आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है बटबटी को, बताना भाई कमेंट करके। पकड़िए ये देखो, ये लड़का है मेरा, वीडियो देखता है, वीडियो देखते हो? चलो क्या नाम है, नाम की, तो नाम की रुद्रो। चल ठीक है भाई, देख सकते हैं ये जो कार्टून है, कार्टून में इस समय करेला जा रहा है, ताकि गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खराब ना हो, माल खराब ना हो, इसके वजह से कार्टून में भरा जाता है। और इधर चल रहा है भाई पैकिंग, करेला का साइज में थोड़ा सा बड़ा वाला निकल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, बड़ा छोटा सब मिक्स है। हम लोग को दिखाओ, मुंशी है इधर, इधर मुंशी, और ये सब कर रहे हैं काम भाई लोग। अरे मेरा पोता है, पोता। अच्छा ये आपका पोता है? चलिए एक पोता है और एक पोता है, दो पोता है। तो ये देखो करेला डायरेक्ट कच्चा खाने जा रहे हैं, कच्चा। हाँ कच्चा फायदा होता है बहुत। हाँ ये जो माल है ये डायरेक्ट किसान अपना लेके आए, यहाँ पे पलटी होगा, फिर यहाँ से फिर भर के जाएगा बनारस, आजमगढ़, मऊ, बहुत दूर दूर जाता है यहाँ से। 80 किलो ये 80 किलो का है,
अब यहाँ पे पलटी होगा, उसका छटैया होने के बाद फिर से यहाँ पे भराएगा जैसे भरा रहा है। और देख सकते हैं KKD, ये भाई कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है यहाँ का, बहुत दूर दूर माल बेचता है भाई लोग। तो ये जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें आया है भाई करेला, और इसमें देखो 407 का पूरा आइटम लगा हुआ है, और ये इसलिए आदमी लगवाता है ना, ताकि देखो 407 का टायर भी है, तो इसलिए आदमी लगवाता है कि ताकि गाड़ी मजबूत रहे, और ये लोग चलते भी है 4 टन में। और इसका एक अलग से रिव्यू आने वाला है, देख सकते हैं इसमें क्या क्या है भाई, दिखा दो पोसर। इसके अंदर पूरा लकड़ी का बॉडी बनाया गया है, और यहाँ पे देखो कमानी का जो सिस्टम है वो भी इसमें चेंज है, तो ये काफी हैवी बनाया गया है ताकि इसमें 4 टन 4.5 टन माल आराम से लोड करके जाया जा सके और कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो अब मेरे गाड़ी का ही माल आ चुका है, अब मेरे गाड़ी का जो माल है वो बनना चालू हो रहा है, पैकिंग होना चालू होगा, तो दिखा दो पोर्शन एक बार। ये देखिए माल जो है पूरा, ये अभी जस्ट आया है, पलटी हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा पलटी किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से कैरेट में भराएगा। थोड़ा सा छोटा माल है, छोटा माल अच्छा रहता है, छोटा माल बनारस वाले पसंद भी करते हैं, ये देखिए। तो आ चुका मैं तरबूज खरीदने के लिए, क्योंकि गाड़ी अपना लोडिंग कुछ देर बाद चालू हो जाएगा, तो रास्ते में खाएंगे तरबूज। पोषण तो खाता नहीं है इसलिए 2.5 किलो का सिर्फ अपने ले लिया है, पोषण को खाना हो तो खा लेगा। तो काफी लाल तरबूज है, इसको कहते हैं बम्बैया तरबूज, ये देखिए इसको कहते हैं बम्बैया तरबूज। तो ये होता है अंडा के जैसा, ठीक है, एकदम गोल नहीं होता, थोड़ा गोल और थोड़ा लंबा में होता है ये। तो आज बादशाह भाई की गाड़ी लोडिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आज माल नहीं बन रहा है हमारे पार्टी का। पार्टी को कर पे माल चाहिए 10 रुपया 10 रुपया किलो करेला चाहिए इनके पार्टी को, और हमारा पार्टी तो भाई स्वयं यहाँ पे खड़ा होकर माल बनवा रहा है। और हमारा पार्टी ये है, देख सकते हैं ये छोटू भाई कैसे है भाई, बढ़िया करेला पसंद आया? पसंद आया। और भाई अभी माल बनवा रहा है, खड़े होके स्वयं खड़े होके बनवा रहा है, फिर भी बनारसी पार्टी को माल पसंद नहीं आता। देखो भाई इतना मेहनत से माल बनाया जाता है, एकदम छोटा छोटा करेली छांट के लोड करवा रहा है भाई, एकदम पूरा मोहड़ा वोड़ा नहीं लगा है, पूरा माल एकदम ऐसा ही है, ठीक है, ये देखिए। और जो बड़ा रह रहा है वो हटा भी दे रहा है। हमारा पार्टी काशी भी माल नहीं बना रहे, उनको 10 रुपया चाहिए, 10 रुपया उनको चाहिए। और आज का रेट 12-13 रुपया खुला है, तो अपना हमारा माल खरीदा रहा है। ये हमारे गाड़ी का माल यहाँ हो रहा है तैयार, गाड़ी बगल में लगा है, कुछ देर में अपना लोडिंग चालू हो जाएगा। तो ये इलाहाबाद के लिए लोडिंग हो चुका है, इसमें ऊपर भी बोरा फेंका रहा है, उसका पैकिंग हो गया, ये भी गाड़ी निकल जाएगा। तो भाई बनारस से ना बहुत सारा गाड़ी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लोडिंग इस समय डाउन हो चुका है, पता नहीं पार्टी माल क्यों नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों भाई बैठे हुए हैं, आप लोग का लोडिंग नहीं है तो कब होगा? कल देखते हैं, कल, क्योंकि भाई अभी 10-12 रुपया करेला का भाव चल रहा है, तो पार्टी को और भी कम रेट में चाहिए। आज तो बारिश नहीं हो रहा है, आज तो 12-13 रुपये खुला है, जो पार्टी जैसा माल बनवाया अपना। और ये देखो पूरा लोडिंग कम्प्लीट, अभी रस्सा तिरपाल होने जा रहा है, इसमें चटाई और तिरपाल। तो गढ़बेता मंडी के जस्ट बगल में हेंटी का पेट्रोल पंप है, यहीं पे डीजल टैंक फुल करवा ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है लोडिंग होने के बाद अपने पास टाइम थोड़ा भी रहता नहीं है, तो इसी वजह से फुल करवा ले रहे हैं। वैसे तो अपने गाड़ी में तेल था झारखंड तक बहुत ज़्यादा, लेकिन हम सोच रहे पूरा फुल रहेगा तो सही रहेगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी सही है, देख सकते हैं यहाँ पर ये डेंसिटी तेल का इतना तो होना ही चाहिए। चलो फुल कर दीजिएगा दादा। तो फाइनली भाई अपने गाड़ी का लोडिंग भी अब चालू हो चुका है, अब आप समझ में आ रहा है कि इतना धूप में हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेबर भाई लोग हैं इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। और अपना जो कार्टून है वो फाइनली लोडिंग होना गाड़ी में अब चालू हो चुका है, तो ये पहला कार्टून अपने गाड़ी में लोडिंग हो रहा है। कार्टून में इसलिए लोडिंग मेरे व्यापारी साहब करवाए हैं क्योंकि प्लास्टिक में भाव भी नहीं मिल पा रहा था, और प्लास्टिक में माल भाई इतना गर्मी में ना खराब हो जाता है, खराब होने की वजह से अभी क्या है कि वहाँ का पार्टी का डिमांड ये है कि ऐसे माल बनेगा तो बिकेगा अच्छे दाम में और माल खराब नहीं होगा, जैसे इतना गर्मी माल उमस में खराब हो जाता है, तो उमस में खराब नहीं होगा, माल अच्छे से पैक होकर जाएगा। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा छांव रहता है और हर जगह से इसमें कटिंग है, एयर भी निकलते रहता है, तो वो माल जल्दी खराब नहीं हो पाता है। तो ये 35 किलो का एक एक पेटी है, इतना भी अपना माल था, इधर पैकिंग हो चुका है, थोड़ा बहुत माल अभी अंदर पैकिंग चल रहा है। हमारे माल गाड़ी में कुंदरू भी थोड़ा बहुत लोडिंग होने वाला है, जैसे कि ये है, और कुंदरू नहीं जाएगा, अच्छा कुंदरू कैंसिल कर दिया पार्टी, तो सिर्फ और सिर्फ करेला जाएगा। तो करेला चलिए फटाफट लोडिंग करवाते हैं। आज क्या है कि गाड़ी में हमको लगता है थोड़ा सा हाइट भी होने वाला है, हाइट देखो अब 35 किलो का है, अब इसका लंबाई चौड़ाई तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा, थोड़ा सा हाइट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से टाइट करने के बाद थोड़ा सा गाड़ी बैठ जाता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ये देखिए तो एक लाइन में 4 आएगा, मतलब 4 कार्टून एक लाइन में आएगा।
कम से कम आज के दिन में 10 से 12 गाड़ी बनारस वाले खड़े हैं सब, वहाँ पे खाना पीना बना रहे हैं खाने के लिए। तो अपना गाड़ी भी लोडिंग कंफर्म मतलब कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा माल बाकी है। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं भाई वो लोग खाना पीना बना रहे हैं मस्त बैठ के। ये थोड़ा सा माल अपना है, ज़्यादा है नहीं, पूरा हो चुका है पैकिंग, मतलब इसको बस बांधना है, बांध के बस लोडिंग करना है, मतलब जितना माल था सब भरा चुका है। तो आ चुके हैं भाई यहाँ पे अपने बनारस के काफ़ी सारे ड्राइवर हैं, ये देखिए एक लाइन से, ये देखो धीरे धीरे करके दिखा रहे हैं सब, यहाँ पे खाना पीना बना रहे हैं। खाने के लिए लोडिंग हुआ नहीं होगा काफी, हाँ कौन दिन कब आलू का नया नाम बताना होगा पहले, क्या है लड़चुटचुट खाना बन रहा है। कौन सा खाना बन रहा है? लड़चुटचुट खाना, ये आएगा यूट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पे खाना बन रहा है भाई, क्या बना रहे हैं? आलू सब्जी। तो आलू और बोड़ा का सब्जी बनाया जा रहा है, और चावल भी इधर बन गया क्या चावल? तो यहाँ पे देखो इतने सारे ड्राइवर है बनाने वाले, चंदौली के झट्टू आदमी। अरे ऐसा मत बोलिए, अभी आएगा यूट्यूब में, उनके भी घर वाले देखेंगे तो बोलेंगे यार ऐसा तो नाम हम दिए ही नहीं थे कभी, ऐसा नाम तो दिए नहीं थे, नया डिश का नाम डाले। अच्छा अच्छा, तो अभी भाई लोग का गाड़ी लोडिंग नहीं हो पाया है क्योंकि मंडी में अब सन्नाटा हो रहा है धीरे धीरे करके। अब भाई गड़बड़ता आना तो थोड़ा सोच समझ के आना, अपना तो हो गया लोडिंग आज, लेकिन अभी मार्केट यहाँ थोड़ा बैठ गया है, करेला का भाव बनारस में नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से व्यापारी लोग माल नहीं बनवा रहे हैं। अब बस यही एक रीजन है कि भाव नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो इन लोगों का गाड़ी लोडिंग हो जाता। मंडी तो चालू था सुबह, तभी तो मेरा बन पाया, दो दिन बंद। चलिए तो अभी इन लोगों को खाना पीना बना देते हैं, अपना चलते हैं, लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, अब वहां से निकलते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं, सबको बाय बाय टाटा, हर हर महादेव। तो भाई आधा गाड़ी पूरा लोडिंग हो चुका है। अच्छा ये जो आप लकड़ी का देख रहे हैं, ये पहले बोर्ड में लगा के हम लोग चढ़ते थे छोटे में, तो ये बोर्ड में लगा के पैसेंजर उतारा जाता था, जैसे बोर्ड से बाल उतारना है तो इसी का इस्तेमाल, एकदम सेम वैसा ही बनाया गया इसको भी। ये देखो ये लपकेगा लेकिन टूटेगा नहीं। इधर गाड़ी का लोडिंग चल ही रहा था, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई कैसे, इनसे एक बार और भी मुलाकात हुआ था, शायद उसने वीडियो नहीं बनाया था आपके साथ ना। चलिए यहीं से आप हैं लोकल, चलिए भाई मिलके अच्छा लगा। अच्छा अच्छा गड़बड़ता मई ना, अच्छा चलिए ठीक है भाई ठीक है। देख सकते हैं गाड़ी में चटाई लगना स्टार्ट हो चुका है। हाँ भाई हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इतना मेहनत से देख रहे हो गाड़ी पैकिंग किया जा रहा है, कितना गर्मी लग रहा है यहाँ पे। तो ये भाई इसमें ऊपर से फंसा के दिया जा रहा है और यहाँ से खींचना है, तो पूरा माल जो अच्छे से पैक हो जाएगा, और ऐसा नहीं रास्ते में चलते टाइम ढीला भी नहीं होता, ये लोग इस तरीके से पैकिंग करते हैं गाड़ी को। और थोड़ा बस हो गया। तो फाइनली भाई लोडिंग करके निकल चुके हैं, अभी दिन का 12 बज रहा है और हम लोग को रात को 1 बजे पहुंचना है किसी भी हालत में, क्योंकि अगर 1 बजे नहीं पहुंचेंगे तो पार्टी का माल जो है वो नहीं बिक पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत तो हम लोग को करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं पूरा जोर लगाना पड़ेगा, शरीर का गाड़ी का पूरा जोर लगाना पड़ेगा गाइस, तभी हम लोग टाइम से पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ लोडिंग पोजीशन गाड़ी, जस्ट अभी मंडी से निकले हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मेन रोड की तरफ आगे। एक बार भगवान का नाम लेते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय श्री राम, प्रेम से बोलो बजरंग वाली की जय। भाई एक मिनट के लिए गाड़ी रोका था, केला ले लिया खाने के लिए क्योंकि भूख लगा है, सुबह का ही नाश्ता किया है, रोकने का टाइम एकदम भी आज नहीं है भाई। भाई विष्णुपुर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, उसके बाद से अभी रास्ता बंद किया हुआ है, तो भाई नहीं पी पाएंगे, गन्ना वाले भैया को बुलाया था, खुलेगा छे रेडी अच्छे एक गिलास दो ताड़ी एक गिलास दो। तो भाई रेडी है इनका जूस, एक गिलास ले लेते हैं क्योंकि भाई जूस पीना बहुत जरूरी है, गर्मी इतना है ना क्या बताए, तो जूस पीना बहुत जरूरी है, वो भी गन्ने का जूस है। नो धरो पचड़ धरो, चलो भाई ले लिया। तो ये वाला जो फ्लाईओवर है अभी थोड़ा सा काम इसका चल रहा है, मतलब विष्णुपुर का एक चालू हो गया, ये वाला अभी चालू नहीं हुआ है, तो ये भी हमको लगता है साल भर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक साल थोड़ा सा यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होगा, हम लोगों को प्रॉब्लम होगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत तेजी से काम चल रहा है,
ऐसा नहीं कि काम रुका है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। कैसे हैं आप? तो भाई मिल गए सब्सक्राइबर भाई हमारे, दो भाई उधर से और भी आ रहे हैं, वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं। जरूर जरूर फोटो वोटो ले लीजिए भैया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत काम का है। अच्छा अच्छा गाड़ी देख लिए थे क्या? तो दो भाई और आ गए हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है भाई। आप लोग तो वहाँ पे साथ गाड़ी वाड़ी धो रहे थे, पोछ रहे थे, देखा हमने भी। चलिए भाई काम का है। अरे भाई चलिए ठीक है, आप लोग का प्यार है भाई, ठीक है। तो आ चुके हैं भाई एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट के ऊपर से मेरा गाड़ी जाएगा। एक्चुअली एयरपोर्ट बनना था लेकिन एयरपोर्ट बना नहीं, अब पता नहीं क्यों नहीं बना, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो भाई डिटेल नहीं पता हमें, लेकिन एयरपोर्ट ये बनना था, बना नहीं। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे, देख सकते हैं, और शायद ये सरकारी ज़मीन भी है, और ये पड़ता है पुरुलिया के अंदर। हम लोग पुरुलिया सिटी होके नहीं जा रहे हैं आज, पुरुलिया गाँव में से जा रहे हैं, अंदर है अंदर, सीधा निकल जाएंगे पुरुलिया सिटी विटी क्रॉस करके, सीधा हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो अब हम लोग पुरुलिया क्रॉस करने के बाद आगे निकल जाएंगे। तो पहुंचने वाले हम लोग हाईवे के बगल में। तो ये फाटक अभी बनाया जा रहा है, पूरा बंद चल रहा है क्योंकि इधर पूरा काम लगा हुआ है रेलवे का। तो भाई मेरा गाड़ी इलेक्शन के लिए पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, तो 200 रुपये मैंने दिया, बहुत हाथ पोड़ जबड़ा रिक्वेस्ट किया, उसके बाद मेरा गाड़ी छोड़ दिया गया। मतलब समझ रहे हो, बाहर के गाड़ी वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं इलेक्शन के लिए। भाई अब बनारस किसी तरह से हम पहुंच जाए, उसके बाद हम पहुंचेंगे डीएम ऑफिस पहुंच के अपने गाड़ी का कागज निकलवाएंगे कि भैया बनारस में के अंदर गाड़ी को हम जमा करेंगे जब आपका इलेक्शन होगा बनारस में। ये नहीं पता किस डेट को इलेक्शन होगा, लेकिन पुरुलिया में पकड़ा गया था अभी गाड़ी, बहुत रिक्वेस्ट किया, आधा घंटा मेरा टाइम टूटा रिक्वेस्ट करने के बाद, 200 रुपये दे के मैंने गाड़ी छुड़वाया, वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, नहीं तो 1000 रुपये का चालान कर रहे थे कि गाड़ी छोड़ने का, बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद छोड़ा गाड़ी, चलो ठीक है 200 लगा लेकिन गाड़ी तो छोड़ दिया ना। अब जाएंगे बनारस, पहुंचेंगे तो सबसे पहले जाएंगे डीएम ऑफिस जाके अपना कागज निकलवा लेंगे इलेक्शन वाला। तब साथ में वो बोल रहा था कि तुम्हारा कागज है तो दिखाओ, जाओ इलेक्शन के लिए, बाहर का गाड़ी को भी पकड़ा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर की गाड़ी को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब अपने बंगाल में खुद ही इतना गाड़ी है तो बाहर की गाड़ी को क्या पकड़ना। हमारे उत्तर प्रदेश में बाहर की गाड़ी को नहीं पकड़ता, एकदम बहुत ईमानदारी से अच्छे तरीके से घर पे नोटिस भेजा जाता है कि आपको इस डेट में यहाँ पे गाड़ी को लेके आना है। तो बाकी इधर तो ऐसा नहीं दिख रहा हमें, अब पता नहीं ऐसा होगा भी तो क्या सिस्टम है, नहीं समझ में आ रहा है। रोड पे गाड़ी पकड़ रहे हैं, बोला इलेक्शन में लगाना है, आरसी जमा कर लेंगे और 7 से 8 दिन आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। बोल रहे थे 25 मई को यहाँ पे आना है पुरुलिया में। अब इतना सारा पंचायत कौन झेलेगा भाई, बनारस छोड़ के हम पुरुलिया वेस्ट बंगाल है, 500 किलोमीटर है हमारे घर से, तेल का कौन पैसा देगा, क्या देगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो रिक्वेस्ट करके गाड़ी को छुड़वा के अभी जा रहे हैं यहाँ से आगे हम। नेट पे एकदम टाइम 4:30 का दिखा रहा था और नेट 4:30 बजे हम लोग हाईवे पकड़ लिए हैं। ये है भाई दिल्ली कोलकाता रोड, इधर धनबाद और इधर सीधे बनारस। अब हमें कहीं रुकना नहीं, बस गाड़ी भगाना है हमें। जियो राजस्थानी भाई, ये भाई राजस्थान का जलवा। तो इसरी से कम 50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम लोग, और 50 किलोमीटर दूर आने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे गड़बड़ रोड देखने को मिलेगा। ये गड़बड़ रोड अब चालू हो चुका है, तो गड़बड़ रोड में 2 से 3 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद फिर से सही रोड आ जाएगा। तो सही रोड हमको फिर लेके चलेगा बरही टोल तक तो नहीं कह सकते, बरही से 5-6 किलोमीटर पहले बरही तक। तो उधर का रोड पूरा ख़राब है क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है, तो ख़राब तो रहेगा ही, थोड़ा काम चल रहा है। तो ये वाला बहुत देर से ख़राब है,
ये अभी अभी बन नहीं रहा है, अब पता नहीं क्यों नहीं बना रहा है ये वाला। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बरही टोल प्लाजा। बरही से हमको लगता है कि अभी 25 से 30 किलोमीटर दूर होंगे, 25-30 किलोमीटर होगा। तो तेल भी भरवाना है क्योंकि सुबह तेल लिया था और अभी देख सकते हैं 2 कुटी बचा है, मतलब टोटल रिजर्व लेकर 3 कुटी बचा हुआ है। बिहार में तेल महंगा है और बिहार में कई पेट्रोल पंप पे तेल सही नहीं मिलता है, कुछ कुछ पेट्रोल पंप पे तेल सही मिलता है। और जैसे औरंगाबाद में घुसेंगे तो वहाँ पे तेल आपको सही मिल जाएगा, एक तो पेट्रोल पंप पे सही नहीं मिलता। तो हम ये सोच रहे हैं कि बरही के आसपास में ही तेल फिर से 2000 का ले लेंगे ताकि बनारस तक हम पहुँच जाएं। अच्छा, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा देखिए, कितना सुंदर व्यू है। तो बरही में अभी एंटर कर रहे हैं, इधर का रोड थोड़ा खराब है, बनाया जा रहा है फ्लाईओवर। भाई शाम का 6 बज चुके हैं, हम लोग बरही टोल पे 5 मिनट के रुकेंगे, चाय वाय पीने के बाद में फिर निकलेंगे क्योंकि गाड़ी का शीशा भी साफ करना है। तो चाय पियेंगे, गाड़ी का शीशा साफ करेंगे, फिर जब निकलेंगे तो सीधा बनारस। तो सोच सकते हैं बरही से बनारस कम से कम 280 किलोमीटर है। तो अचार वाले भाई मिल गए आपके, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली, दिल्ली। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। तो भाई साहब जा रहे हैं दिल्ली, चलो ठीक है भाई। कंटेनर गाड़ी है भाई, लोग वीडियो देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर है। तो अभी हम बरही और चौपारण के बीच में है, बरही क्रॉस करके आ चुके हैं, अभी चौपारण एंटर करने वाले हैं। तो तेल ले रहे हैं 2000 रुपये का, पिछली बार भी यहाँ पे लिया था और इस बार भी यहीं पे ले रहे हैं, यहाँ पे तेल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं, माइलेज सही दिया था पिछली बार, इसी वजह से दोबारा आ चुके हैं। तो चलिए 2000 का तेल लेंगे और इसी तेल में हम वाराणसी पहुँच जाएंगे और मेरे गाड़ी में थोड़ा बहुत तेल बच भी जाएगा। तो चलिए तेल भरवाते हैं, पोषण अभी गया पानी लेने के लिए, तेल भरवा के फिर निकलते हैं आगे। तो पहुँच चुके हैं भाई धोबी बॉर्डर, जस्ट अभी दारू का चेकिंग करवाने के बाद निकल चुके हैं आगे के लिए। तो बॉल भाई का कमेंट आता है कि बीडीएम भाई अपना नंबर दीजिए, हमारा गाड़ी नहीं चल पा रहा है। तो भाई यही कहना चाहेंगे आप लोगों से, देखो पहला चीज़ तो हम देखो ट्रांसपोर्टर नहीं है, जैसे आप लोग भाड़ा खोजते हो वैसे ही हम भी भाड़ा खोजते हैं। और दूसरा चीज़ यह है कि हम देखो ज़्यादा कच्चा माल में चलते हैं, पक्का माल अपने पास सेटिंग है नहीं, आप लोगों को पता है। तो अगर आप लोग कच्चा माल में चलाना चाह रहे हैं, आप लोग नया ड्राइवर, तो प्लीज़ कच्चा माल में मत आना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कच्चा माल में बहुत रिस्की होता है। एक तो पार्टी बार बार कॉल करेगा आपको कि भाई जल्दी है, देखो अभी पार्टी का कॉल आ रहा है पोषण के फ़ोन में, तो कुछ इस प्रकार से आपको बार बार फ़ोन आएगा, ठीक है। टाइम नहीं हुआ होगा, भैया कहाँ पहुँचे हो, भैया कहाँ पहुँचे हो, तो ये सब चीज़ें झेलना पड़ता है और गाड़ी भगा के जाना पड़ता है। तो अगर आप लोग नहीं चलाए हैं कच्चा माल में तो भाई इतना अभी तुरंत मत आना, कुछ दिन चला लीजिए पक्का माल में, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद ही आप लोग चलाना। और भाई हमें आप लोग भाड़ा मत मांगो, शर्मिंदा करेंगे आप लोग, क्योंकि हम देखो ट्रांसपोर्टर नहीं, अपने पास थोड़ा बहुत जो सेटिंग है भाड़ा मिल जाता है, उसे सेटिंग से हम चलाते हैं गाड़ी। तो सैयद राजा में एंटर कर चुके हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में हम एंटर कर चुके हैं, वो भी भाई काफ़ी मेहनत के बाद, ठीक है। काफ़ी मेहनत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज लगातार गाड़ी खींचना पड़ गया, रुकने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। और ये देख सकते भाई पूरा चमक रहा है रोड यार। हम लोग 12 घंटे में पहुंच चुके हैं मुगलसराय स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो 12 घंटे में पहुंचे हैं, 12 बजे दिन में छूटे थे और अभी 12 बज रहा है रात का। दिखा देते हैं आप लोगों को टाइमिंग एक बार, बट टाइमिंग दिखा देते हैं भाई, अभी 12 बज रहा है, भगवान का दया से आशीर्वाद से पहुँच चुके हैं एकदम ठीक ठाक टाइम से। देख सकते हैं 12 बजने में 2 मिनट बाकी है, मतलब 12.5 घंटे में हम लोग गढ़बेता से बनारस का मंडी करा दिए भाई। 650 किलोमीटर का सफ़र 12.5 घंटा में, सोच लो किस प्रकार से गाड़ी चलाना पड़ा आज। तो चलो पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, यहाँ से 1/2 घंटा और लगेगा भाई। पहुंच चुके हैं फाइनली अपने मंडी, अभी भाई 12:30 हो रहे हैं, मतलब 12:30। और ये भाई अपना आईपी मॉल, बनारस का बहुत पुराना मॉल है ये, बगल में, और जस्ट आईपी मॉल के पीछे ही है चनुआ सट्टी, जहाँ पे हमको करना है गाड़ी खाली।
अभी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मंडी भी लगा नहीं होगा क्योंकि 12 बजे 1 बजे के बाद सब कस्टमर आना चालू होते हैं। मेन तो होलसेल का मंडी है, रिटेल का नहीं है ये। तो देख सकते हैं पूरा गाड़ी वाड़ी लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए हम अपने आड़त में गाड़ी को लगाते हैं चल के, और ये मंडी का लुक। तो अभी पहुँच गए भाई मंडी, वहाँ से 12 बजे गाड़ी छूटा था, 12:30 बजे हम यहाँ पे मंडी पहुँच गए। मंडी पहुँचते ही गाड़ी को रस्सा खोल दिया, चटाई खोल दिया। चटाई खोलने के बाद अभी अपना माल निकल के बाहर रखा भी गया, जैसे कस्टमर आएगा तो अपना जो करेला है वेस्ट बंगाल का यहाँ पे बिकना चालू होगा। तो देख सकते हैं पूरा खोल के रेडी कर दिया है, पोर्शन यहाँ पे खड़ा है। तो अब देखते हैं कितने बजे तक यहाँ पे गाड़ी खाली होता है और कब तक हम लोग गाड़ी खाली करके घर निकल पाते हैं। भाई अभी आप लोगों के घर पे जो कच्चा मटर पहुँच रहा है, मतलब आप लोग समझ रहे हो कि मटर है, तो ये मटर अभी आ रहा है कहाँ से पता है? रांची से, झारखंड से आ रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मटर। अरे काटा लिया है, ये झारखंड का मटर है भाई, रांची का। और ये जो शिमला मिर्चा आप देख रहे हैं, ये भी रांची का शिमला मिर्चा है। तो रांची का शिमला मिर्चा कुछ थोड़ा सा लंबा में होता है, देख सकते हैं ये रांची का है, झारखंड। मॉर्निंग आप सबको, रात में देखा भाई चनुआ में अपना गाड़ी खाली हो रहा था, लेकिन वहाँ पे पूरा माल नहीं बिका। तो हम लोग आ गए अभी राजा तालाब मंडी में, यहाँ पे गाड़ी खाली हो चुका है, मतलब 2-3 कैरेट और बचा हुआ है, 2-3 पेटी। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले घर के लिए। एक्चुअली सीन ऐसा हो गया था कि अपने निर्धारित समय बंगाल से चल के हम पहुँच चुके थे मंडी में, वहाँ पे पूरा माल बिक नहीं पाया था। तो इसीलिए हमारे जो व्यापारी भैया हैं उन्होंने बोला कि आपको दूसरे मंडी जाना पड़ेगा। तो हम चले आए अपने दूसरे मंडी में। तो ये मंडी का नाम है राजा तालाब मंडी, चनुआ सट्टी से दूरी पड़ता है 16-17 किलोमीटर। चले आए भाई, यहाँ पे जो माल बचा था वो बिक गया यहाँ पे फटाफट करके। ये देखो सब व्यापारी लोग आ चुके हैं खरीदने के लिए। और ये अपना करेला जो कि हम लेके आए थे वेस्ट बंगाल से, एकदम छोटा छोटा करेला है। तो राजा तालाब मंडी पहुँचते ही भाई गाड़ी खाली हो चुका है अपना, देख सकते हैं पूरा चटाई वटाई बाहर फेंक दिया, गाड़ी हो चुका है खाली। और भाई गाड़ी खाली होते ही भाड़ा वाड़ा मिल चुका है अपना, टेंशन नहीं है, पहले ही ले लिया था एडवांस। और ये रहा भाई अपना भाड़ा, तो ये रहा अपना भाड़ा। तो अब निकलेंगे यहाँ से हम घर के लिए, पोषण पहले ही निकल चुका है। पोषण को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भाई सोने का जगह नहीं था, दिक्कत होता है, हम अकेले लेट गए थे और पोषण बोल रहा कि हम घर निकलते हैं, हम चले जाओ भाई घर। तो पोषण घर चला गया है। तो चलिए गाड़ी खाली हो गया, भाड़ा भी मिल चुका है अपना, अब यहाँ से घर निकलते हैं। तो भाई गाड़ी खाली करके आ चुके हैं मेन रोड पे, अभी क्या है कि यहाँ से टर्न लेना है क्योंकि उधर से बंद है रास्ता। तो अब चढ़ चुके हैं भाई नेशनल हाईवे, अब सीधा हम लोगों का घर जो है 13-14 किलोमीटर दूर है, एकदम चापे चाप चले जाना है घर के तरफ क्योंकि भाई 3-4 दिन हो गया घर नहीं गए अभी तक हम लोग मतलब पोषण तो चला गया, अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो गाड़ी को खड़ा करने के बाद फाइनली घर पे आ चुके हैं। तो हमारी मम्मी, मतलब हम जब घर पे आते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर बनाती हैं। तो हम तो सहजन लेके आए हुए थे, देख सकते हैं ये सहजन हम खरीद के लेके आए हुए हैं, हमारी मम्मी को सहजन बहुत पसंद है। तो मम्मी क्या बना रहे हो नाश्ते में? चूड़ा मटर बना रहे हैं। चूड़ा मटर बन रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये है मटर और इसमें अभी पड़ेगा चूड़ा, तो चूड़ा मटर बनेगा ये, ठीक है। तो ये कौन सा मटर है, सफल मटर है? नहीं, ताजा वाला जो अभी आ रहा है, मतलब ये गाइस रांची वाला मटर है। तो चलिए चूड़ा मटर बनता है, खा के मस्त अभी आराम करेंगे। तो आप लोग पूछते हैं भाड़ा कितना लगा था, भाड़ा बताइए बीडीएम भाई। तो हम इधर से गए थे भाई, टोटल अपना भाड़ा लगा था 37,000 रुपया, ठीक है, 37,000 रुपया इधर से हम गए थे। लेकिन उस 37,000 में से उस गाड़ी को वाले को भी मैंने दिया है, तो लगभग इधर से गए 37,000 में और उधर से आए हैं हम 22,500 रुपये में, ठीक है, गढ़वेत्ता मंडी से। तो टोटल हमको इसमें बचत हो जाएगा कम से कम 20,000-22,000 रुपया जाने आने में, तेल काट के, टोल टैक्स काट के, पुलिस खर्चा काट के, सब कुछ काटने का 20,000-22,000 रुपया इस ट्रिप में हमको बच जाएगा। सो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार मोहब्बत सब बड़ा ऐसे ही अपने भाई पे बनाए रखिए, मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में।